लौंग हम सभी के घर में होती है, परंतु क्या आप जानते हैं खाने का स्वाद बढ़ाने के साथ साथ ये छोटी सी लौंग जीवन की बड़ी से बड़ी मुश्किल को दूर कर सकती है। आइए जानते हैं जाने माने पंडित और ज्योतिषी सुरेश पांडे के द्वारा बताए गए लौंग के कुछ अचूक उपाय। नंबर एक, अगर आपका कोई काम रुका हुआ है या बार बार उसमें अड़चन आ रही है तो महीने की चतुर्थी तिथि के दिन एक लौंग और एक सुपारी लें और पान के पत्ते का बीड़ा बनाकर उसमें लौंग को रख लें और साथ में सुपारी भी रख लें और गणेश जी की पूजा के बाद ये दोनों चीज़ें उन्हें अर्पित कर दें। जब भी आप उस कार्य के लिए जाएं, लौंग को मुँह में रख लें और सुपारी को साथ ले जाएं, अवश्य ही आपका काम बन जाएगा। नंबर दो, अगर आपको मानसिक तनाव है या नींद नहीं आती या हरदम कोई ना कोई चिंता सताती रहती है तो बुधवार के दिन शाम के समय तीन लौंग लें, उनको एक एक करके अपने सिर से स्पर्श कराकर, पैर के अंगूठे तक स्पर्श कराकर अर्थात अपने ऊपर से उतारकर गैस के चूल्हे पर जला दें। आपका शरीर एकदम हल्का हो जाएगा और आपकी परेशानी पूर्ण रूप से ख़त्म हो जाएगी। नंबर तीन, अगर आपको कोई अनजाना डर सताता है या घर में आपका मन नहीं लगता अथवा घर में आते ही आप उदास हो जाते हैं तो पीले कपड़े में दो लौंग, एक पीतल का टुकड़ा और थोड़ा सा केसर बांधकर अपने घर में कहीं रख दें, आपको गारंटी के साथ लाभ होगा। नंबर चार, अगर घर में आर्थिक तंगी है या पैसा नहीं टिकता तो पीले कपड़े में पांच पीली कौड़ी और पांच लौंग बांधकर अपने घर के पूजा स्थल पर माँ लक्ष्मी के सामने या श्री यंत्र के सामने रखें, जहाँ किसी की नज़र इस पर ना पड़े। इससे घर में धन की आवक बढ़ने लगेगी। नंबर पाँच, अगर आपको कोई बीमारी है जो ठीक नहीं हो रही तो अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हैं तो मंगलवार के दिन 108 लौंग की माला बनाकर हनुमान जी की मूर्ति पर अर्पित करें और उनसे प्रार्थना करें, आपका असाध्य से असाध्य रोग भी कट जाएगा। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।